अमरीकी एंटरप्रेन्योर टिम फेरिस कहते हैं जेकर तुसी अपनी सवेर जित ली तो इसका मतलब तुसी अपना सारा दिन जित लेंगे हो। उत्थे जेकर तुहाडे दिन की शुरुआत गलत तरीके दे नाल हुंदी है तो तुहाडा सारा दिन तो खराब जाएगा ही, पर लोंग टर्म दे विच देखिए तो इस दे नाल तुहाडी पूरी जिंदगी भी खराब हो सकती है। तुसी सब तो पहला उठ के सवेरे की करते हो उतों ही डिसाइड हुंदा है कि तुहाडा अगे का सारा दिन किहो जिहा बीतेगा। छोटिया छोटिया देखण वालियां वड्डियां गलतियां साडे विच ज्यादातर लोग हर रोज करते हैं। अज की इस वीडियो के विच असीं तुहानूं 10 अजिहियां बुरियां आदतों बारे दसांगे जिसनों ज्यादातर लोग करते हैं, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। इन्हां दे विचों सब तो पहली बुरी आदत है स्नोजिंग का अलार्म। सुबह सुबह जो अलार्म की आवाज के नाल साडियां अखां खुलदियां ने तो साडे विचों ज्यादातर लोग वो अलार्म नूं बंद करके फिर तो सौ जाते हैं। इसका मतलब यह हुंदा है कि तुसीं अपने दिन का सब तो पहला काम ही नहीं किया ते इस दे नाल तुहाडी दिमाग की मोटीवेशन भी घट हो जाती है। अलार्म बंद करन तों बाद जदों तुसीं फिर तो सौ जाते हो तो अजिहा करन दे नाल तुहाडे सौण दा शेड्यूल भी खराब हो जाता है। मैडिकल डायरेक्टर ऑफ स्लीप डिसऑर्डर रॉबर्ट रोसबर्ग कहते हैं अलार्म बंद करन तों बाद जदों तुसीं फिर तो सौण दी कोशिश करते हो तो तुसीं फिर तो बहुत ज्यादा गहरी नींद दे विच चले जाते हो। सुबह सुबह पहली बार अलार्म बजन दे नाल जदों तुसीं उठ जाते हो तो वह बेस्ट टाइम हुंदा है तुहाडे जागण दा। जेकर तुसीं अलार्म बजन तों बाद फिर तो सौ जाओगे तो उस तों बाद उठोगे तो इस दे नाल सारा दिन तुहाडा दिमाग थकिया थकिया महसूस करेगा। नंबर दो की बुरी आदत है जी नॉट वेकिंग अप विदाउट प्लैन। एमाजॉन के मालिक जैफ बेजोस कहते हैं कि पूरे दिन भर के जिहड़े तुसीं छोटे वड्डे फैसले लेंदे हो उस दे विच तुहाडी बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा लगती है। जिवें जिवें तुहाडा दिन गुजरता जाता है तुहाडी वो मानसिक ऊर्जा काफी घटती जाती है। इस दे नाल तुसीं दिन के अखीर दे विच बहुत ज्यादा थक जाते हो क्योंकि तुहाडे दिमाग ने सारा दिन बहुत ज्यादा मेहनत की हुंदी है। इस करके जैफ बेजोस अपने दिन की शुरुआत दे विच बहुत घट फैसले लेंदे हन जिथे वह सुबह उठ के यह चीज सोचण दे विच अपनी मानसिक ऊर्जा नूं खराब नहीं करते कि उन्होंने अज पूरा दिन की करना है क्योंकि वह एक दिन पहला ही अपने कल के कामों का शेड्यूल बना लेंगे ने। इसलिए दिन के महत्वपूर्ण कामों के लिए उन्होंने को काफी ज्यादा ऊर्जा रहती है। अगले दिन तुसीं की करना है वह सारिया चीजों का शेड्यूल तुसीं रात को सौण तो पहला बना लो ताकि अगले दिन सवेरे उठ के तुहाडे दिमाग को ज्यादा मेहनत ना करनी पवे, उसनूं पहला ही पता होवे कि अज उसने की करना है। तीजी सब तो बुरी आदत है चैक यूर फोन। अपने विचों ज्यादातर लोग सुबह उठण तो बाद सब तो पहला काम यह करते हैं कि वह अपने फोन में चक के चैक करते हैं। आईडी की एक रिसर्च के अनुसार दुनिया के 80% लोग सवेरे उठण तो बाद 15 मिनट अपना फोन देखते हैं जिड़ी कि एक बहुत ज्यादा बुरी आदत है। हम सुबह सुबह जो उठ के कोई अपना फोन चैक करता है उसके परेशानी यह है कि जो तुम अपना फोन चैक करते हो उस कुछ अजिहा तो नहीं देखते जिस के कुछ चंगा महसूस हो फोन के अजिहा असं कुछ भी नहीं देखते जिस के दिन की शुरुआत बहुत वधिया हो साडा मन उत्साह भर जाए। जबकि लोग सुबह सब तो पहला उठ के सोशल मीडिया देखते हैं तो सोशल मीडिया से की है झूठ फरेब कतल मारकुट आदि तो सुबह सुबह जो चीजा फोन के देखते हो उन्होंने पूरे दिन का मूड बनता है। सुबह सुबह अजिहियां चीजा देखने के नाल तुसीं दूजियां दे एक्सटर्नल थॉट यानी कि उन्होंने नकारात्मक विचार अपने मन के ले आते हो। जबकि दिन की शुरुआत के किसी के नकारात्मक विचार अपने मन के नहीं लेके आना चाहिए बल्कि अपने विचार अपने थॉट को अपने मन के लेके आना चाहिए है। इस करके सवेरे उठण तो बाद कदे भी एक तो दो घंटे तक अपने फोन हाथ तक भी ना लगाओ, उसनों देखना तो बहुत दूर की गल है। रात को अपने सौण तो पहला अपने फोन अपने तो काफी दूर रखो। नंबर चार की सब तो वड्डी गलती जिहड़ी असीं हर रोज करते हैं वह है जी नॉट मेकिंग बैड। सुबह उठ के जिहड़ा सब तो पहला काम तुहानू करना चाहिए वो यह है कि सुबह उठ के तुसीं सब तो पहला अपने बैड नूं सैट करो। जिंदगी दे विच सफल होण दे लई उस दे विच सब तो पहला डिसिपलिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुसीं दिन की शुरुआत दे विच जिहड़े काम करते हो उही तुहानू पूरे दिन मोटीवेट जां कहीए प्रेरित करते हैं। जेकर तुसीं सवेरे ही अपने आप नूं टाइट लेजी जां कहीए थक्या होया महसूस करोगे तो तुहाडा सारा दिन ही अजिहा लंघेगा। तुसीं सुबह उठ के सब तो पहला अपना बैड सैट करोगे तो यह छोटी जी आदत ही तुहानू वैल डिसिपलिन बनाउंदी है। बैड नूं सैट करन दे नाल तुहाडी जिंदगी तां बर्बाद नहीं होगी बल्कि अजिहा करन दे नाल तुहाडी जिंदगी दे विच कुछ वधिया जरूर होगा क्योंकि आर्मी दे विच भी इस तरह हर रोज फौजियों तो करवाया जाता है। पंजवीं सब तो बुरी आदत है नॉट ड्रिंकिंग वाटर फास्ट। एक आम इंसान नूं पूरे दिन दे विच 3 तों 4 लीटर पानी की जरूरत होंदी है पर इस दे विच ध्यान रखने वाली गल यह है कि 3 तों 4 लीटर पानी तुसीं दिन दे विच थोड़ा थोड़ा करके पीवो। तुसीं कई बार देखिया होगा कि रात नूं तुहानूं चंगी नींद आई तो सुबह सुबह तुसीं जल्दी दे नाल उठ भी गए तो इस दे बावजूद भी पूरा दिन तुसीं थक्या थक्या महसूस करते हो। इसका मुख्य कारण यह होंदा है कि तुसीं डीहाइड्रेटड हो, मतलब कि 7 तों 8 घंटिया की नींद लैण तों बाद असीं डीहाइड्रेटड हो जाते हाँ भाव कि साडे शरीर दे विच पानी की कमी हो जाती है। इस दे नाल तुहाडा एनर्जी लैवल भी घट जाता है। इस करके हर रोज सवेरे उठ के तुहानूं एक गिलास पानी का जरूर पीना चाहिए है ता जो तुहाडा शरीर हाइड्रेट हो सके ते तुहाडी पाचन क्रिया नूं भी तेज करता है। सुबह सुबह जदों तुसीं उठ जाते हो तो तुहाडियां अखां तां खुल जांदियां ने पर तुसीं अंदरों सौ रहे हुंदे हो ते जदों तुसीं सुबह उठ के पानी पीते हो तो इस दे नाल तुहाडा शरीर अंदरों भी जाग जाता है। छेवीं बुरी आदत है नॉट टेकिंग सनलाइट। रात नूं सौंदे समय थोड़ी जी लाइट भी तुहाडी नींद खराब कर दिंदी है क्योंकि लाइट नींद नूं उडाउण दा काम करदी है। सवेरे
सवेरे ताजी धुप लैण दे नाल तुहाडे दिमाग दे विच मेलाटोन ते सेलाटोन दोनों हारमोन रिलीज होण लगदे हन। मेलाटोन हारमोन तुहाडे शरीर दे विच दिन ते रात दा हिसाब रखदा है, उत्थे ही सेराटोन तुहाडी एनर्जी लेवल नूं बूस्ट करदा है जां कहीए तुहाडी एनर्जी नूं वधाउंदा है। सवेरे सवेरे उठ के जेकर तुसीं 5 तों 10 मिंट सूरज दी रोशनी दे विच बैठोगे तां इस दे नाल तुहाडा पूरा शरीर जाग जाएगा। इस दे नाल तुहाडे शरीर दे विच विटामिन डी दा बूस्ट मिलेगा ते तुहाडा मूड सैट हो जाएगा। सुबह सुबह उठ के चाह ते कॉफी पीण दी साडी आदत हुंदी है, इस तों बिना साडी सवेर शुरू ही नहीं हुंदी। सुबह उठ के जदों असीं चाह जां कॉफी पीने हां तां इस दे नाल साडे विच एकदम एनर्जी आ जांदी है ते साडी नींद उड जांदी है। पर इह एनर्जी जिन्नी तेजी दे नाल आउंदी है उन्नी तेजी दे नाल खर्च भी हो जांदी है, क्योंकि खंड जां कहीए शुगर तों मिलण वाली एनर्जी बस थोड़े समें लई हुंदी है ते इस दे नाल ही तुहानूं इक होर चाह पीण दी जरूरत भी पै जांदी है। ते नाल ही कई रिसर्च दे विच इह भी पता लग्गिया है कि ज्यादा शुगर लैण दे नाल तुहाडा शरीर थक्किया होया महसूस करन लग जांदा है। ज्यादा शुगर साडी मेमोरी अते दिमाग नूं भी कमजोर करदी है। सवेरे चाह जां कॉफी लैण तों पहलां तुसीं फल खावो, क्योंकि फलां दे विच कुदरती शुगर हुंदी है ते इहनां नूं पचाउण दे लई साडे शरीर नूं कुझ टाइम भी लगदा है ते फलां दे नाल जिहड़ी तुहानूं एनर्जी मिलदी है उह पूरा दिन तुहाडे शरीर दे विच रहिंदी है। अठवीं सब तों बुरी आदत है स्किप योर ब्रेकफास्ट। तुसीं सारिआं ने इह चीज़ तां जरूर सुणी होवेगी कि ब्रेकफास्ट जां कहीए सुबह दा खाणा सब तों जरूरी आदत हुंदी है। इस दा मेन कारण इह है कि जदों तुसीं कोई खाणा खांदे हो तां तुहाडा शरीर उह खाणे नूं पचाउण दे लई इक क्रिया दे विचों लंघदा है जो तुहाडे शरीर दे अंगां नूं एक्टिवेट कर दिंदी है ते उस दे नाल तुहाडे शरीर दे विच एनर्जी भी आउंदी है। इस करके जरूरी है कि तुसीं हर रोज़ अपना ब्रेकफास्ट जरूर करो तां कि जदों तुसीं अपने काम दे लई घरों निकलो तां तुहाडे शरीर दे विच एनर्जी होवे। ते रिसर्च दे विच भी इह चीज़ पता लगी है कि जिहड़े लोक सवेरे हैवी नाश्ता लैंदे ने ते रात नूं लाइट डिनर लैंदे ने उह दूजे लोकां दे मुकाबले घट बीमार हुंदे ने। ब्रशिंग यूअर टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट। कई लोग सवेर दा खाणा खाण तों बाद ब्रश करदे हन क्योंकि उहनां नूं लगदा है कि सुबह दा खाणा खाण तों बाद जिहड़ी रहिंद खूंद उहनां दे दंदां दे विच फस जांदी है उह उहनां दे दंदां दे लई चंगी नहीं है। इस करके इह लोक सवेरे नाश्ता करन तों बाद ब्रश करदे हन ते उह सोचदे हन कि अजिहा करन दे नाल उहनां दे दंदां दे विचों स्मैल नहीं आवेगी। इह सुण दे विच तां काफी लॉजिकल लगदा है पर अजिहा नहीं है ते साडे मूंह दे विच कई अजिहे पदार्थ भी हुंदे ने जिहड़े साडे दंदां दी उपरली परत नूं खराब करदे हन, जिस करके जेकर तुसीं खाणा खाण तों बाद अपने दंदां नूं साफ करदे हो तां तुसीं अपने दंदां नूं होर ज्यादा कमजोर कर रहे हो। इस करके सुबह दा खाणा खाण तों बाद तुसीं अपने मूंह दे विच कुरली कर लो क्योंकि इह ज्यादा वधिया रहेगी बुरश नालों। तुसीं अपने दिमाग नूं अपने तों ज्यादा होर औखे काम करवाउण दे लई ट्रेन करो। तुसीं उह काम करो जिहड़ा तुहाडा दिमाग कहिंदा है कि तुसीं नहीं कर सकदे। तुसीं उह काम करो जिन्हां दे विच तुसीं अनकंफर्टेबल महसूस करदे हो। अजिहा करन दे नाल तुसीं अपने कंफर्ट जोन तों बाहर निकलोगे ते अपने शरीर तों उह काम करवा सकोगे जो नहीं करना चाहुंदा। सवेरे सवेरे दौड़ना, कसरत करना ते अपने शरीर नूं स्ट्रैच करना इह सारे अनकंफर्टेबल काम हन। इन्हां कम्मां नूं जेकर तुसीं लगातार करदे हो तां इस दे नाल तुहाडा ते तुहाडे दिमाग दी सेहत काफी ज्यादा वधिया होवेगी। अजिहा करन दे नाल तुहाडे दिमाग नूं भी मेहनत करन दी आदत लग जांदी है। सवेरे सवेरे दौड़ लगाउणा ते ठंडे पानी दे नाल नहाउणा इह सारीआं चीज़ां तुहाडे दिमाग नूं पूरे दिन दे लई तैयार करदियां हन। इह सन जी 10 बुरियां आदतां जिहड़ियां कि सानूं अज्ज ही छड्ड देणियां चाहीदियां हन। तुहानूं साडी वीडियो किद्दां लगी कमेंट करके जरूर दस्सना। साडे YouTube दे चैनल YouTube नूं जरूर सबसक्राइब करना ते Facebook दे पेज YouTube नूं जरूर फॉलो करना। धन्यवाद।